पर आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार यानी कि आज 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने और गरीब परिवार की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर खास फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है। और हमने सिर्फ इसको लिखा है जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपने। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जल प्रबंधन पर एक तस्वीर है और यह तस्वीर न्यूयॉर्क राज्य की बेफेलो नदी की है और अब तक वो ऐसा नहीं कर पाए। पता करें कि उनके सोशल मीडिया चेयरपर्सन के ट्विटर से कौन ट्वीट कर रहा था, लेकिन उन्हें यह तस्वीर किसने भेजी है। पर्यावरण अनुभाग के तहत राहुल गांधी के पसंदीदा स्थान थाईलैंड की एक तस्वीर उनके घोषणा पत्र में डाली गई है। क्या रही कि पंजाब गया, कश्मीर गया, आधा आधा चला गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। विदेशी प्रभाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर कितना गहरा हो गया है। और यहां मैं पुनः ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि वो अभी तक ये बता नहीं पाते हैं कि उनके अकाउंट्स कौन डील करता है और ये फोटोएं कहां से आती हैं, इसमें विषय ये नहीं है कि फोटो गलत लग गई है, विषय ये है कि फोटो विदेश की लग गई है, ये गंभीरता की बात है। यानी अभी तक वो विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग तो करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि ये धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन
समर्थन है। साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा गया था ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से ये इसको रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए आतिशी ने कहा कि 4 अप्रैल को बीजेपी ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और 5 अप्रैल को सुबह 11:15 पर न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुआ कि आतिशी को नोटिस भेजा गया है, लेकिन आधा घंटा खबर के बाद मुझे मेल में नोटिस मिला है और इसका मतलब है कि बीजेपी पहले चुनाव आयोग का नोटिस मीडिया में प्रसारित करती है और उसके बाद मुझे नोटिस मिलता है। मेरा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी का सहायक संगठन बन गया है? आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है, 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर ये न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है, नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। रमजान के महीने के आखिरी जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों में रोजदारों की भीड़ रही है और आपको बता दें कि दिल्ली जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में नवाजियों ने जुमे की नमाज अदा की। साथ ही रोजेदारों ने नम आंखों से रमजान को अलविदा कहा और नवाजियों ने मुल्क की तरक्की और सलामत की दुआ मांगे। और अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी की गारंटी 0 है और आज तक कुछ किया है? 2 बार बीजेपी जीती है, तब चाय बागान के 10 लाख मजदूरों का खाना बंद कर दिया था। वो लोग हमारे पास आए थे और हमने 10 लाख मजदूरों की मदद की है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि यह न्याय पत्र नहीं, अन्याय की गारंटी है। शर्मा ने आगे कहा कि आदिवासी महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी वो कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में बंद की है। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। कंगना रनौत और हेमा मालिनी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने इन महिला नेताओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना। ये कांग्रेस का एजेंडा है। असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, बेरोजगारी पक्की, किसानों के कर्ज का बोझ, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र, मध्य प्रदेश में 15 माह के कांग्रेस के कुशासन, जो सीएम प्रसूति सहायता योजना बंद कर गर्भवती महिला को मिलने वाले 16,000 रुपए डकार गए, हमारी बहन बेटियों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उन्हें लड्डू देती थी, उनको भी ये खा गए। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सहारनपुर पहुंचेंगे। राधा स्वामी सत्संग भवन में मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के रैली को लेकर जिला प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर रहा है। सहारनपुर के सत्संग भवन में आयोजित इस रैली के माध्यम से पीएम मोदी कैराना लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर हमारे संवाददाता आलोक तनेजा ने लोकसभा चुनाव को लेकर सत्येंद्र सिसोदिया क्षेत्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत की। चुनाव का बिगुल बज गया है और जिसको लेकर तमाम बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है पूरी तैयारी में लग गया है। मैं इस समय खड़ा हूं सहारनपुर में एक नंबर सीट लोकसभा पर, जहां पर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन की तैयारी की जा रही है। यहां पर इस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर उनका कार्यक्रम होगा। यहां इस मंच से जो है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ यहाँ से जो शुरुआत है उसको करेंगे। हालांकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से इसकी शुरुआत शंखनाद कर चुके हैं और इसके बाद वो सहारनपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और यहां पर देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से कुर्सियां लगाई गई हैं। ये दिल्ली रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन का एक बड़ा मैदान है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और उसको लेकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। यहाँ जो है शीर्ष नेतृत्व यहाँ का जनपद का यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बात करके उनको उन्होंने संदेश दिया और यहाँ पर एक प्रेस वार्ता भी उन्होंने की है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए लोग, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की। पश्चिम के जो अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम रखा गया, किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं। जी, स्वागत है आपका। कल सहारनपुर की इस धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और सहारनपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक गहरा नाता है। वो हमेशा सहारनपुर में एक जनसभा को जरूर संबोधित करते हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि उनका जो प्यार है, जो लगाव है सहारनपुर से, वो बना रहेगा और उसी के कारण इस सहारनपुर को एक नई पहचान भी और मिलने वाली है, नई नई सौगातें मिलने वाली हैं। आने वाला जो कार्यकाल होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का तीसरे टर्म का, उसमें सहारनपुर विकास के नए आयाम छुएगा। कितना लक्ष्य रखा गया, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे आपके सम्मुख है? मैं इतना कहूँगा, हम कहीं 1,00,000 लोग की व्यवस्था करते हैं तो वहाँ 3,00,000 लोग आते हैं। इस बार 400 के पार निश्चित रूप से। ये नारा नहीं है जी, हमारे कार्यकर्ताओं का प्रण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यदि कहा है इस बार 400 पार, तो 400 पार होंगी। उत्तर प्रदेश में कहा 80 में से 80, तो 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा जीतेगी, किसी का खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी, इनसे बात कर रहे हैं और यहाँ से इस जगह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे और लक्ष्य है इस बार 400 के पार। वो 400 पार करने की इस एक नंबर लोकसभा सीट से एक हुंकार भरेंगे और संदेश देंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बननी चाहिए। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, TV 27 न्यूज सहारनपुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 अप्रैल यानी कि कल का सहारनपुर का दौरा है। यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और शंखनाद करेंगे। मेरठ के बाद उनकी पश्चिम में ये दूसरी रैली है, जिसमें वो जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 के पार, उसको लेकर यहाँ पर शंखनाद करेंगे और जनता से इस बात को, जो वहाँ पर पब्लिक जुटेगी, उससे उसमें ये पैगाम देने की कोशिश करेंगे कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मैं इस समय यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हूँ और यहाँ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीन लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है, जिसमें SOG, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ रहेंगी। अगर सुरक्षा इंतजामों की मैं बात करूँ
तो यहां पर 50 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को लगाया गया और 50 राजपत्रित पुलिस अधिकारी के साथ साथ 100 इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस कर्मियों को लगाया गया और 200 पुलिस सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस कर्मियों को भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया। इसी के साथ 1500 पुलिस कर्मी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और इसी के साथ हवाई मार्ग जहां पर रैली का कार्यक्रम होगा उसके ऊपर ड्रोन और किसी तरीके का हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के उड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। कल का कार्यक्रम को लेकर सहारनपुर में पूरी तरीके से यहां का जो सुरक्षा अमला है, यहां के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, यहां के जो DIG हैं, पूरी तरीके से सजग हैं। SOG ने यहां पर अपना मोर्चा संभाल लिया है। अब कल की रैली पर सबकी निगाह टिकी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगह जाकर इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि इस बार 400 के पार क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही तीसरी बार सत्ता में आना चाहिए, इसका वो संदेश देंगे और इस पश्चिम की जाट बेल्ट में वो इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बननी जरूरी है। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, TV 27 न्यूज, सहारनपुर। और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मोहम्मदाबाद तहसील के संगड़ी गांव में वनवासियों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और उनके घर पर उनके साथ ही भोजन भी किया। बता दें कि राजभर के बेटे अरविंद राजभर कोसी लोकसभा सीट से NDA के उम्मीदवार हैं। राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के समर्थन में जिले में अलग अलग जगहों पर संपर्क करने के साथ ही जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस नेता चरणदास महंत के विवादित बयान से नाराज भाजपाइयों ने तिलदा नेवरा के दीनदयाल उपाध्याय चौक में प्रदर्शन करते हुए थाना में राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी मंच से छत्तीसगढ़ी में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक संरक्षक चाहिए, लाठी धर के मारने वाला चाहिए। PM मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धरकर खड़ा हो सकता है तो वो आपका सांसद भूपेश बघेल हो सकता है। इस बयान से छत्तीसगढ़ सहित देश की राजनीति गर्मा गई है और इस विवादित बयान से भाजपा के कार्यकर्ता आंदोलन पर उतर आए हैं। जम्मू में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मदिन समारोह समिति जम्मू कश्मीर द्वारा उनके जन्मदिन की सालगिरह से पहले सतवारी चौक जम्मू से अंबेडकर चौक तक एक प्रभावशाली अंबेडकर फूले रैली का आयोजन किया जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फूले जी की और बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती जो हर साल 11 और 14 अप्रैल को मनाई जाती है। रैली जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। इसमें जम्मू जिले की सभी तहसीलों सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी जिलों और सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों जैसे कि स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मोटरसाइकिल कारों के साथ भाग लेने, साथ ही रैली में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी जो रैली के आकर्षण का केंद्र रहेगी। और साथ ही रैली के बाद 13 अप्रैल 2014 को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भव्य ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता और 14 अप्रैल 2024 को अंबेडकर चौक जम्मू में अंबेडकर जयंती मेले के साथ समारोह जारी रहेगा। मेला सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक जीवंत मंच के रूप में काम करेगा। पेंटिंग का इंतजाम करना है, बच्चे आए अपने पेंट अपना पेंट लेके आए, जो भी उनको पेंट जिस तरह का पेंट वो यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों के अलग अलग चॉइस होती है, कुछ ऑयल पेंट यूज़ करते हैं, कुछ वैक्स पेंट यूज़ करते हैं, कुछ स्केच यूज़ करते हैं, तो आपको जो यूज़ करना है वो लेके आए, शीट लेके आए। सब बच्चों को क्या दिया जाएगा, एक छोटा सा कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और कंसोलेशन प्राइज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 14 तारीख को वापस अंबेडकर चौक में जो मेला लगता है उसमें की जाएगी। सब बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है, जैसे बच्चे आएंगे उनके हाथ में। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भड़काऊ बयान के विरोध में आए मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास चौक कोतवाली पहुंचे। मौलाना सैफ अब्बास ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर नाराजगी जताई और इंस्पेक्टर को शिकायत देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मौलाना सैफ अब्बास ने FIR दर्ज करने की मांग की है।
अब रायपुर के भारत माता चौक के पास बिजली विभाग के सब डिवीजन कार्यालय में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक तेज धमाका हुआ है और उसमें आग लग गई, जिससे बिजली विभाग कार्यालय में लगी आग से वहां मौजूदा स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसपास में आसमान में दूर से धुएं का गुब्बारा नजर आ रहा है। और इधर स्थानीय लोगों ने भयानक आग पर काबू पाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन को महोबा के पिछड़े इलाकों में 5 युवकों ने 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। ऑनलाइन ठगी का यह अनोखा मामला पुलिस के सामने आने पर सभी हैरत में पड़ गए। शातिर दिमाग युवक जल्द अमीर होने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों को ठगी का शिकार बना रहे थे और पुलिस ने 216 स्मार्ट टीवी, 6 एसी और 4 वॉशिंग मशीन बरामद किए हैं। इस घटना को अंजाम देने के लिए शातिर युवक 17 स्मार्ट मोबाइल और 7 कीपैड फोन का प्रयोग करते थे। पुलिस ने 240 सिम कार्ड, 1 थंब मशीन और लैपटॉप बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2024 को थाना कोतवाली महोबा पुलिस व हमारे महोबा स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पे 5 शातिर जालसाज अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ऑनलाइन ठगी की जाती थी, फर्जी सिम पे, फर्जी नाम पते पे सिम लेके इनके द्वारा फर्जी आईडी बना के फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि कंपनियों से माल ऑर्डर करके और उन माल में डिफेक्ट बता के फिर उसको उसका पैसा रिफंड ले लिया जाता था, किंतु माल वापस नहीं किया जाता था, क्योंकि जिस माल जिस नंबर से इनके द्वारा बुक कराया जाता था उस नंबर को इनके द्वारा पैसा रिफंड आते ही थे। अब मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध तमंचा फैक्ट्री से 160 बने और अधभने तमंचे बरामद किए हैं। इस छापेमारी में पुलिस टीम ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश टॉप 10 का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ जाती है। चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न करवाने के लिए एसएसपी महोदय द्वारा लगातार अवैध शस्त्र और अवैध शस्त्र निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना बुढ़ाना पुलिस को एसएच आनंद देव मिश्रा के नेतृत्व में उनकी टीम, जिसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर रविंदर और संदीप और उनकी पूरी पुलिसकर्मियों की टीम के अथक प्रयास के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कल देर रात्रि को मुखबिरों की सूचना के आधार पर कस्बा बुढ़ाना के एक पुराने मकान में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इस रेड में कुल 160 पूर्ण निर्माण और अर्ध निर्माण तमंचे, पौने और बंदूक बरामद हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।